धनबाद के सभी जनता से मेरा अपील होगा कि आप लोग भी इस आवाज़ में आवाज़ मिलाकर महामहिम राज्यपाल को आप पत्र लिखें, सभी लोग पत्र लिखें और जितना जल्द हो, जल्द से जल्द हो झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने का मांग करें, आग्रह करें। क्योंकि जिस परिस्थिति में आज राज्य और खास करके धनबाद जिला चल रहा है, जो स्थिति में चल रहा है, आए दिन किसी न किसी के यहाँ गोली चलाना, बम चलाना, हत्या होना, इसके लिए हम लोग मांग करते हैं कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगना अति आवश्यक है। नहीं तो लोग सुरक्षित नहीं हैं, लोग भय से जी रहे हैं। लोग कितने लोग प्लान कर रहे हैं कि जब तक यहाँ पे राष्ट्रपति शासन नहीं लगे या दूसरी सरकार नहीं बने तब तक हम यहाँ पे जी नहीं सकते हैं। कोई भी सुरक्षित नहीं है। कल ही कतरास में घटना हुआ, खरखरी में घटना हुआ, अभी तुरंत धनबाद बैंक मोड़ में घटना हुआ, गोली चल रहा है। तो आए दिन यहाँ पे चोरी डकैती पर ध्यान विशेष रूप से सरकार का, इसलिए कि सरकार को जितना चोरी होगा उतना रेवेन्यू जाएगा, जितना सरकार के पास खजाना में पैसा जाएगा। ये चोरी होने पर ही कोयला चोरी, लोहा चोरी, अभ्रक चोरी, सारा यहाँ पे तो प्रत्येक दिन जितना भी सेल में प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, इतना हेमंत सोरेन के सरकार में उनके लोग चोरी कर रहे हैं, उनके दलाल लोग चोरी करवा रहा है। हजार ट्रक कोयला यहाँ से प्रत्येक दिन निकल रहा है, प्रत्येक दिन। इसका कोई लेखा जोखा नहीं। और हेमंत सोरेन का कहना है सीधा, जितना पैसा हमारे पास आएगा उतना चोरी डकैती कर सकता, हत्या कर, हर चीज़ का रेट बना हुआ है। चोरी का कितना रेट है, डकैती के कितना रेट है, मर्डर का कितना रेट है, गोली चलाने का रेट कितना है, किसी को भय बैठाने के लिए रेट कितना है, एक ट्रक में कितना फीस है, अगर 100 ट्रक निकलेगा तो उसका कितना फीस है, माइंस चलाने के लिए कितना फीस है, ये अलग अलग रेट हेमंत सोरेन का बंधा हुआ है, रेट चार्ट बंधा हुआ है हेमंत सोरेन जी उसी प्रकार। और सीधा साधे लोग, गरीब लोग जो आवाज़ उठाते हैं, वैसे लोग को जेल भेजता है, चोर लोग को संरक्षण देता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चोरी हो, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स हेमंत सोरेन तक पहुँचे। इसलिए इन बातों को देखते हुए यहाँ के लोग को हम भय से जीना देखना नहीं चाहते हैं। हम उसके लिए आंदोलन करेंगे, लड़ेंगे, जन आंदोलन के, अगर हम पार्टी से आग्रह करेंगे कि जन आंदोलन की तैयारी करें, और जब तक जन आंदोलन नहीं होगा तब तक ऐसे क्राइम करने पर, गोली चलाने वाले पर, चोरी करने वाले पर, डकैती करने वाले पर, मर्डर करने वाले पर रोक नहीं लग सकता है। कितने क्रिमिनल आके धनबाद में बस चुके हैं, उस क्रिमिनल पर भी विशेष ध्यान नहीं है। कभी भी किसी तरह का कोई भी घटना हमारे साथ हो या किसी के साथ भी हो सकती है, इसका कोई माए बाप नहीं है। ये सरकार बनने के बाद सिर्फ और सिर्फ चोरी, डकैती, लूट, मर्डर। हम एक विरोधी दल के नेता, विधायक होने के नाते नहीं बोल रहा हूँ, आम जनता से आप पूछिए कि ये क्या स्थिति है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने जेब भरने के लिए, अपने घर भरने के लिए सिर्फ ये सरकार बनी है। सरकार बनने के बाद बतावे कि इनके सरकार बनने के बाद इतिहास में जब से देश आज़ाद हुआ तब से दरमियान आज तक जितने सरकार बनी और गई, जितना गोली चलना, बम चलना, हत्या होना, मर्डर होना, चोरी होना, हजारों ट्रक प्रत्येक दिन दो नंबर कोयला पार होना, ये कभी आज तक इतिहास में नहीं हुआ था। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।